मे आई कमिंग सर यस प्लीज डू थैंक यू सर नमस्ते प्रणाम सर प्लीज टेक यू सीट आप पिंटू हैं जी सर पिंटू कुमार जी सर पिंटू क्या पसंद करेंगे हिंदी में बातचीत कीजिए जी सर हिंदी में सहज हैं जी पिंटू आप ने उम्मीद है कि इस बात को नोटिस किया होगा कि हम लोग तमाम कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं जी सर और यही वजह है कि आपके और हमारे बीच पर्याप्त दूरी रखी गई है ताकि आप सुरक्षित महसूस करें जी सर हम लोग जिस समय बातचीत नहीं कर रहे हैं उस समय मास्क लगा रहे हैं आ, आप पर भी ये लागू होता है यदि आप मास्क में ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और मास्क के बिना आपको परेशानी है तो आप मास्क लगाए रह सकते हैं लेकिन अगर आप मास्क के बिना सहज महसूस करते हैं जी सर और फिलहाल आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो आप मास्क हटा भी सकते हैं हटाना चाहेंगे जी सर जी हटाइए थैंक यू कंफर्टेबल हैं जी सर आपको खुद तो किसी किस्म के कोई लक्षण नहीं है नहीं सर ठीक है पिंटू तो हम बातचीत शुरू करते हैं जी सर आ, सबसे पहले तो आप बोर्ड मेंबर्स को अपना परिचय दी जी सर सर मैं अररिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और मेरी बेसिक एजुकेशन सर अररिया डिस्ट्रिक्ट में ही हुई उसके बाद सर मैंने हायर एजुकेशन के लिए मैं कोलकाता गया वहाँ पर मैंने हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बी किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से आ, वहाँ कॉलेज से सर मेरा कैंपसिंग विप्रो टेक्नोलॉजी में हुआ था जहाँ मैंने चार साल सर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क किया वर्तमान में मैं सर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ पिछले ढाई सालों से और इस एग्ज़ाम में सर मेरा वैकल्पिक विषय लेबर एंड सोशल वेलफेयर है और एक्सपेयर टाइम में सर मैं मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ पिंटू आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन किया है विप्रो में आप काम कर चुके हैं फ़िलहाल आप ऑडिट ऑफिसर हैं जी सर है। ये और सिविल सेवा में राज्य में आप जाना चाह रहे हैं जी आ, ये पलटी आपने क्यों मारी है? आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे और एक अलाइड एरिया में काम कर रहे थे सर जब मैं सॉफ्टवेयर में काम करता था तो मैंने रियलाइज किया कि एक सर्टेन टाइम के बाद उस जॉब में उतनी डाइवर्सिटी नहीं थी बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस जॉब था और सर जो ग्रास रूट लेवल के जो लोग हैं उनके साथ जुड़ने का डायरेक्ट उनके लाइफ में कोई चेंज लाने का मेरे पास और ऑडिट ऑफिसर में ये पाया आपने जब मैं विप्रो में था सर हाँ लेकिन आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं था इसलिए आप ऑडिट ऑफिसर बन गए सर जी सर उसके बाद मैं इसीलिए चाह कि मैं पब्लिक सेक्टर में आऊं जहां पे जो है ग्रास रूट लेवल पे जो डिप्राइव सेक्शन वगैरह हैं उन सर इस बारे एक ऑडिटर अगर ये कहे कि वो मोनोटोनी के डर से विप्रो की नौकरी छोड़ के ऑडिट ऑफिसर बनाए तो ये एक हास्यास्पद बात है सर एक्चुअली ये भी बात है सर कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं तो मुझे एक अपने एजुकेशन को ख़ुद से सेल्फ फाइनेंस करना था तो मुझे जॉब की ज़रूरत थी तो सिविल सेवा में मुझे लगा कि लॉन्ग टर्म मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे तैयारी करने में उतने टाइम तक मैं अप अपने एजुकेशन को फाइनेंस करने के लिए मुझे टेम्प्रेरी एक जॉब चाहिए था जिसकी वजह से मैंने एस एस सी का एग्जाम तो फरहाल फ़िलहाल सी के महत्वपूर्ण ऑडिटिंग के काम को आप स्टेपिंग स्टोन मान रहे हैं टाइम पास करने की जगह है सर मैं अपना तो जो मेरा ड्यूटी है सर मैं तो अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि बेस्ट उसमें भी दूं लेकिन उसके साथ ही सर मैं चाहता हूं कि मैं ग्रास रूट ले सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो जानता होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है ठीक है ना क्या होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जी सर सर ब्लॉक टेक्नोलॉजी एक डिस्ट्रीब्यूटेड जो है लेजर एग्जैक्टली exactly. अब मुझे बताइए कि एक ऑडिटर के तौर पर जी कितनी सरल सी बात है कि अब हमारे पास ब्लॉक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो ट्रांसपेरेंट है जो टेम्पर प्रूफ है जी जो आ, सही अकाउंटिंग का तरीका है जी सर फिर अकाउंट्स में क्यों नहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती ताकि ऑडिटर्स की जरूरत ही खत्म हो जाए जी सर सर अभी जो है गवर्नमेंट जो है सर मतलब ऐसा आ, आ रहा है कि अब ऑनलाइन ही ऑडिटिंग होगी कुछ टाइम के बाद लेकिन टेक्नोलॉजी का तो पेनेट्रेशन गवर्नमेंट सेक्टर में हो रहा है लेकिन अभी तक सर हम लोग उस लेवल तक पहुंचे नहीं है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी जो है अगर क्रिप्टो करेंसी का अलावा अगर हम छोड़ दें तो ज्यादातर जगह सर अभी हमारे यहाँ यूज भी नहीं हो रही है तो सर हो सकता है मे बी इन फ्यूचर आफ्टर टेन इयर्स मतलब ऐसा हो सकता है लेकिन लेबर एंड सोशल वेलफेयर के साथ आपने कहा कि आपने ये परीक्षा दी है जी सर आ, ये भी आपने फिर एक पलटी मारी है आप विज्ञान के विषय के विद्यार्थी थे जी सर आ, मैं क्या ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि आप के अंदर आ, जिसे हम लॉयल्टी कहते हैं जिन चीज़ों के प्रति आपका प्रेम है जिन चीज़ों से आपको लगाव है जिन चीज़ों ने आपको कुछ दिया है आप उनके प्रति वापस में लगाव नहीं देते प्रेम लौटाते नहीं जिस विषय ने आपको किया आपने विषय छोड़ दिया जिस नौकरी ने किया उसे आप छोड़ने को तैयार हैं एक नौकरी को आप छोड़ चुके हैं क्या आपके अंदर एफिलिएशन अपने वर्तमान से प्रेम करने की क्षमता है जी सर मैं तो मानता हूँ ये है सर लेकिन ऐसा है कि सर मैं शुरू से ही सिविल सर्विसेज में आना चाहता था लेकिन मेरे साथ परिस्थितियां ऐसी हुई जिसके वजह से मुझे जो है इमीडिएट जॉब तो विषय के साथ क्या दिक्कत थी आपने साइंस के विषय लेने की जगह पर यह अजीब सा विषय क्यों लिया सर जब मैं सिविल सर्विसेज का तैयारी करने का सोचा तो उस समय मैं ऐसे विषय का चुनाव करना चाहता वही था। वही मैं कह रहा हूँ ना जिस जो आपका प्रथम प्रेम जिस पेरेंट डिसिप्लिन जो था जी सर उसे आपने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि किसी और से आपको जल्दी सहूलियत मिल रही थी सर माफी चाहूँगा लेकिन मैं मेरा ऐसा मेरी सोच ऐसी नहीं थी मैं ये सोच इलेक्ट्रॉनिक्स पे बात करते हैं जी सर आसान सा सवाल से शुरू करते हैं मान लीजिए आपको एक पी और एक एन ट्रांजिस्टर दिया जाए और कहा जाए पहचानिए इनमें से कौन सा पी है कौन सा एन कैसे पहचानिएगा सॉरी सर अभी बायसिंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर का क्या मतलब है सर उसमें जब वोल्टेज ट्रांजिस्टर के तीनों टर्मिनल पे जब हम वोल्टेज लगाते हैं तो उसे हम बायसिंग बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा आपने जी सर अच्छे से पढ़ा है किस माइक्रो प्रोसेसर पर काम किया था अच्छा सर ट्रिपल फाइव पे किया था उस समय पक्का जी सर क्लियर है जी सर ठीक है बताइए जरा उसका कंट्रोल यूनिट का क्या फीचर है सी का सर जी सर माइक्रो प्रोसेसर जो है सर वो अर्थ में उसमें बेसिकली अर्थमेटिक आर्थ, और लॉजिक यूनिट्स होते हैं उससे हम जो है सर अर्थमेटिक और लॉजिक क्या होता है रजिस्टर्स क्या होते हैं रजिस्टर्स तो सर मेमोरी सेव करने के लिए जो है रजिस्टर्स यूज किए जाते हैं सर डेटा को सेव करने के लिए जो है ठीक सर पिंटू आप अररिया जिले के रहने वाले हैं जी बताइए अररिया जिले का परिचय दीजिए जी सर सर यह जिला जो सीमांचल एरिया में बिलोंग करता है और इसका जो है पूर्वी भाग में किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है दक्षिण में पूर्णिया है पश्चिम में मध्यपुरा और सुपौल डिस्ट्रिक्ट है और उत्तर में नेपाल पड़ता है सर और इसकी जो है सर एरिया जो है सर अट्ठाईस किलो, स्क्वायर किलोमीटर का है और पॉपुलेशन जो है सर अट्ठाईस लाख है इसका और फिफ्टी परसेंट के अराउंड सर यहाँ माइनॉरिटी लोग रहते हैं और सर यहाँ लिटरेसी रेट काफी कम है सर फिफ्टी वन परसेंट लिट्रेसी रेट है क्यों इतना कम क्यों है प्राचीन काल से इसको ज्ञान विज्ञान का एक बड़ा केंद्र माना जाता रहा है जी सर अब इतना कम क्यों है लिटरेसी जी सर सर लिटरेसी रेट का जो सर मुख्य रीज़न यहाँ पॉवर्टी है सर लोग इतने गरीब हैं कि खाने के लिए पैसे नहीं है चाइल्ड लेबर की समस्या है सर गरीबी इतनी ज़्यादा क्यों है सर गरीबी ज़्यादा होने का सर दो तीन रीजन है एक तो सर इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पर नहीं हुआ है जो एम एस एम ई लेबर इंटेंसिव सेक्टर है वो नहीं है और दूसरा अगर हम सर देखें बिहार बंगाल के रीजन में जो परमानेंट सेटलमेंट लाया गया था ब्रिटिश के द्वारा उस समय क्या हुआ है था सर कि जो लैंड का मालिक ज़मींदार को बना दिया गया था तो जिसकी वजह से जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो लैंड रिफॉर्म की पॉलिसी ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं जिससे ज़्यादातर लोगों के पास जो है बहुत ही कम लैंड है और ट्वेंटी परसेंट लोग जो है भूमिहीन है वहाँ पे तो इस वजह से सर वहाँ पे गरीबी इतनी ज़्यादा है तो सत्तर पचहत्तर साल हो गए सरकार ने कुछ किया नहीं गरीबी कम करने के लिए जी सर गवर्नमेंट तो सर अपने ओर से स्कीम ला रही है लेकिन सर बहुत सारा इशूज़ हैं वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इशूज़ हैं जिसकी वजह से लोगों तक प्रॉपर बेनिफिट्स नहीं पहुँच पा रहे थे बेनिफिट नहीं पहुँच रहे का मतलब ये हुआ कि प्रशासक और नेता पैसे खा जा रहे हैं जी सर एक हद तक हम कह सकते हैं करप्शन तो एक इशू है ही सर तो इस वजह से सर उतना पर परकुलेशन हुआ नहीं वहाँ पे करप्शन कम करने का प्रयास कुछ हो रहा है सर प्रयास तो हो रहा है सर जैसे अभी कम्युनिटी ऑडिट जो है सोशल सोशल ऑडिट जीविका के थ्रू ऑडिट जो है तो सीएजी भी क्या कर रहा है आखिर सीएजी का, का काम है करप्शन को एक्सपोज करने का जी सर सत्तर पचहत्तर साल आजादी के हो गए सी अभी करप्शन को एक्सपोज क्यों नहीं कर पाता है जी सर सर सी का अगर हम देखें तो सर रिपोर्ट्स तो काफ़ी सारे ऐसे करप्शंस का आता है लेकिन सर प्रॉब्लम ये भी है कि सी के पास जो है सर वो पावर नहीं है पनिश करने का सी जो है एक रिपोर्ट मेरे लिए एक रिकमेंडेशन होता है और वो रिकॉर्ड रिपोर्ट लेजिस्लेचर के पास जाता है फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसमें इन्वेस्टिगेट करती है तो जब तक सर सोशल ऑडिट को प्रोपर सोशल ऑडिट क्या है सर जो एक्चुअल बेनिफिशियरी हैं उनके द्वारा जब फीडबैक लिया जाता है कि एक्चुअल में उन्हें बेनिफिट क्या उसको कानूनी मान्यता है सोशल ऑडिट को सर जहाँ तक मेरी जानकारी है अभी तक सर उनको प्रॉपरली नहीं दिया गया है सर मान्य किसी न्यायालय में उसको प्रमाणिक साक्ष्य के रूप में तो स्वीकार नहीं करते जी सर सोशल ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर क्या कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है सर कानूनी कार्रवाई अगर सर लेजिस्लेचर चाहेंगे सर उस रिपोर्ट को पे एक्शन लेना तो निश्चित रूप से उससे एक ग्रास रूट लेवल का फीडबैक पता चलता है सर कि एक्चुअल में जो स्कीम्स बन रही हैं उनका कहाँ तक बेनिफिट पहुँच गरीबी दूर करने के लिए बिहार सरकार अभी कौन कौन से कार्यक्रम लागू कर रही है जी सर बिहार सरकार का अगर हम देखें तो सर एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मनरेगा स्कीम है सर उसको इफेक्टिवली वहाँ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फिर प्रधानमंत्री गरीब रोजगार योजना जो है गरीब कल्याण रोजगार योजना उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है जीविका स्कीम जो है सर वो बिहार सरकार के द्वारा जो रूरल एरियाज में जो महिलाएं हैं उसमें पोवर्टी को दूर करने का एक ये किया गया है सर उसके बाद सर स्किल इंडिया है मुद्रा योजना है तो ये सब स्कीम्स चलाई जाए जा न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों की फसल खरीदने से किसानों की आय पे ज़्यादा असर पड़ेगा कि उन्हें छः हज़ार साल में दे देने से ज़्यादा अच्छा असर पड़ेगा अगर दोनों में कोई एक चुनना हो जी सर तो किसानों का कल्याण किससे ज़्यादा होगा सर मुझे लगता है सर न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज़्यादा ये होगा उसको फ्लोर रेट बनाया जाना चाहिए उससे मिनिमम पे खरीद उससे कम पे खरीद सर नहीं की जानी चाहिए सर क्या बिहार में किसानों से फसल की खरीद चल रही है सरकार करती है जी सर करती है सर किस संस्था के माध्यम से करती है पैक्स के थ्रू होता है पैक्स का फुल फॉर्म क्या है प्राइमरी एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पैक्स में भी भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लग रहे हैं जी उसके निगरानी के लिए कोई व्यवस्था है सॉरी सर इसके बारे में ठीक है धन्यवाद पिंटू जी जी सर आपने फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा होगा जी सर तो मुझे दो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताइए जी सर सर फंडामेंटल ड्यूटी एक तो हमें सर संविधान की जो है उसको नेशनल आइडल्स जो हैं उनको रेस्पेक्ट देना है सर और जो इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह हैं उसका भी है सर राष्ट्रगान का है इसको भी हमें सम्मान देना है तो क्या अंतर है ये बताइए जब हम कहते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स है तो एक समझ में आता है कि ये जस्टिफिएबल है जी सर तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी जस्टिफिएबल है नहीं सर इस ये जस्टिफिएबल नहीं है सर अच्छा जस्टिफिएबल नहीं है नहीं तो फिर क्या मतलब है इसका क्या लॉजिक क्या है रखने का ड्यूटीज की लिस्ट आपने बना दी उसका क्या लॉजिक है जब वो एनफोर्सेबल ही नहीं है जी सर सर ड्यूटी जो है एक सेंस लाने के लिए बनाया गया है कि जब आप राइट मांगते हैं तो उसमें समय सिटीजन्स की कुछ ड्यूटी भी बनती है तो इस वजह से एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म या देश के प्रति जो हमारी क्या ड्यूटी है तो उसको ये करने के लिए किया गया है इसको लेकिन सर जस्टिफाइबल नहीं बनाया ठीक है केवल आह्वान करने के लिए है सर, कि आपके कंसाइंस का आह्वान किया जी जी जाए कि आपकी राइट्स हैं तो ड्यूटीज भी करनी चाहिए लेबर एंड सोशल वेलफेयर आपने वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ा है आप मुझे बताइए कि आई है जी सर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसके हिसाब से चाइल्ड लेबर की परिभाषा क्या है जी सर चाइल्ड लेबर जो है सर इसमें यह कहा गया है सर आई के अकॉर्डिंग कि इस जो चाइल्ड जो फोर्टीन इयर्स के कम एज के हैं उनका मानसिक डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट को जो हैम्पर करता है जो भी वर्क उसे उसके उसे हम चाइल्ड लेबर बोलते हैं जैसे जैसे सर अगर जैसे बीरी एंड सिगार इंडस्ट्री में अगर चिल्ड्रेन वर्क करते हैं तो उन्हें बहुत सारे डिजीज होने की जो वो ओवरनेबल हो जाते हैं तो इसीलिए ठीक है आप बिहार से ही हैं जी सर अब भिखारी ठाकुर जी का नाम सुना होगा आपने जी सर नाम सुना है सर केवल नाम ही सुना है सुना के बारे में कुछ पढ़ा है आपने जी सर मैंने ये पढ़ा है कि विदेशिया थिएटर उन्होंने चलिए थिएटर में तो उनका बहुत योगदान रहा है जी और उनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है जी ये एक बहुत बड़ा टाइटल है उनके लिए मुझे ये बताइए कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में उन्होंने थिएटर के माध्यम से क्या कुछ ऐसा किया जिसे कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारे फील्ड में जो लोग वंचित थे उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए बहुत काम किया है तो महिला स्पेसिफिक कुछ कंट्रीब्यूशन बताइए जी सर सर महिला स्पेसिफिक सर अगर उनका यही विदेशिया थिएटर अगर हम देख अगर उनकी कहानी देखते हैं तो उसमें उन्होंने ए, डिपिक्ट किया है कि एक रूरल वूमेन जो है जिनके माइग्रेंट लेबरर्स की वो पत्नी है तो उसके साथ क्या स्थिति होती है जब वो बाहर चले जाते हैं मतलब उनके हस्बैंड बाहर जाते हैं काम करने तो सोसाइटी उनको किस नज़र से या किस तरीके से उन उनका ये होता है तो उसमें हम देखते हैं कि ये समाज के जो डिप्राइव्ड हैं उनको दिखाते हैं महिलाओं के लिए बाकी सर विशेष ठीक थी। है आप बिहार से आते हैं और वहाँ पे लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व छठ पूजा मनाया जाता है जी सर छठ पूजा को छठ क्यों कहते हैं सॉरी सर मैं मुझे मैं, मैं कन्फर्म नहीं हूँ लेकिन आप इजाजत देंगे तो मैं गैस हाँ मैं गैस कीजिए मुझे लगता है ये छह दिन का शायद होता होगा इसमें छठ पूजा छह दिन का होता है मतलब ये काफी लंबा पर्व है लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ कितना लंबा कि ये इस अनुष्ठान की शुरुआत किस दिन से होती है किस किस ये नहाय एक्टिविटीज नहाय खाए होती ठीक है तो पहला दिन हो गया नहाय खाए फिर दूसरा दिन दूसरा दिन तो सर फास्टिंग कहते हैं ठीक है तीसरा दिन तीसरा दिन सर अर्घ देते हैं फिर चौथे दिन सुबह में फिर चौथा दिन देते हैं फिर पांचवा दिन छह दिन का बता रहे थे तो पांचवा छठा दिन नहीं बता पा रहे हैं। जी सर उसके बारे में नहीं है सर मुझे जानकारी सॉरी चलिए ठीक है मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे आपने आई आर एन एस एस इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम के बारे में सुना होगा जी सर, जी सर सर इसका भारत के दृष्टिकोण से जी सर रणनीतिक महत्व तो क्या है जी सर एक्चुअली सर हम लोग जो है जीपीएस सिस्टम जो यूज करते हैं वो यूएस का है सर तो जब जैसे जब युद्ध हुआ था तो तो कि जो हिमालयन एरिया में जो युद्ध हुआ था वहाँ पे एक्चुअल उस समय एक्सेस हमें नहीं मिल पाया था जीपीएस के थ्रू तो इंडिया जो है प्रॉपर तरीके से डिप्लॉयमेंट नहीं हो पाई थी उस समय तो इस वजह से स्वदेशी एक हम लोग जी सिस्टम बनाना चाहते थे जिसके वजह से जो है जब भी कभी युद्ध की स्थिति आए टफ टेरेन में तो हम केवल टफ टेरेन में ही इसका इस्तेमाल करेंगे टेरेन इस स्पेसिफिक है ये नहीं सर हर जगह कर सकते हैं कहाँ कहाँ जैसे नाविक तो सर इंडिया पूरा कॉन्टिनेंट का है साउथ एशिया पड़ोसी देशों को भी हम लोग अपना जी पी ये करने की बातें कर रहे हैं लेकिन टफ टेरेन में इसका सर महत्व तो बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ पे नेविगेशन जो है काफी टफ होता है सर तो इस वजह से ठीक है सर प्लीज पिंटू जी जी सर आपका नाम बड़ा रोचक है आपने कभी शिकायत नहीं की अपने पेरेंट्स से कि मेरा नाम ये क्यों रखा गया सब लोग चिढ़ाते हैं सर एक्चुअली हाई स्कूल में मैंने अपने एक शिक्षक से ये बात शेयर की थी तो लेकिन उन्होंने हमें कहा कि साउथ इंडिया में अगर देखते हैं तो लोगों के नाम और भी अजीब तरीके के होते हैं तो नाम बदलने से तो कुछ होगा नहीं <laughs> तो फिर मैंने आपने मैंशन बदल... किया कि आपको बॉलीवुड सिनेमा देखना पसंद है बॉलीवुड को बॉलीवुड क्यों कहते हैं वहाँ तो कोई जंगल कोई वुड्स है नहीं जी सर क्यों सॉरी सर इसके बारे में मुझे नहीं है हॉलीवुड को हॉलीवुड क्यों कहते हैं समझ में आता है क्योंकि कैलिफोर्निया में तो जंगल हैं लेकिन बॉम्बे में मुंबई में कौन से जंगल हैं कि हम उसे बॉलीवुड कहें और कौन कौन से वुड हैं सर टॉलीवुड भी हैं सर वो कहाँ है टॉलीवुड तो सर हम लोग कोलकाता में बोलते हैं बेंगोली मूवीज वगैरह ठीक है और इसके अलावा वुड भी है सर जो भोजपुरी मूवी ये जो भोजपुरी सिनेमा है इस पर अक्सर चर्चा आजकल होती है आप तो सिनेमा के को पसंद करने वाले लोग हैं अगर आज से पचास साल बाद कोई भोजपुरी सिनेमा को या साठ साल बाद भोजपुरी सिनेमा को देखे जो आज प्रोड्यूस हो रहा है तो उससे बिहार के समाज के बारे में क्या राय बनेगी वो एक अच्छी राय बनेगी या बुरी राय बनेगी अगर उसके आधार पर ही राय बनानी हो कि एक ऐसा समाज है तो जो भोजपुरी सिनेमा आजकल फिल्में आजकल बनती हैं उसके बारे उन्हें देखकर बिहार के बारे में क्या राय बनती है? जी सर सर भोजपुरी में सर जो ज़्यादातर मूवी जो हैं वो तो इन नहीं उतने मतलब हैं जो डिसेंट टाइप के जो उनका डायलॉग्स होता है या सॉन्ग्स होते हैं वो डबल मीनिंग होते हैं लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसे हैं जो रूरल बैकग्राउंड के जो एक्चुअल स्थिति है उसको दिखाते हैं वो मूवी में में। तो वो लगी और उनमें से तीन ऐसी थी अलग राय थी लेकिन सत्तानवे जो कि भोजपुरी सिनेमा आजकल दिखाता है जी सर, तो क्या राय बनेगी असकन जी सर सर ये तो है क्यों सर, है भोजपुरी सिनेमा मतलब इतनी कुंठाएं क्यों व्यक्त हो रही हैं भोजपुरी सिनेमा में बाकी भाषा सिनेमा में इतनी कुंठाएं क्यों नहीं जी सर सर भोजपुरी सिनेमा में सर उस तरीके के राइटर डायरेक्टर जो एक्चुअली सर भोजपुरी जो है मेनली हिंदी भाषी क्षेत्र में बिहार यूपी में देखा जाता है और वहाँ के जो अच्छे डायरेक्टर एक्टर्स होते हैं और मुंबई भी सर बॉलीवुड जो है वो भी हिंदी इंडस्ट्री है तो उधर ये चले जाते हैं और उधर मूवीज बनाते हैं लेकिन साउथ इंडिया में जैसे सर टैलेंट तो डेफिसिट है जी सर ये है सर प्रतिभा की कमी के कारण ऐसा हो रहा है माइग्रेट कर प्रतिभा तो है सर प्रतिभा है लेकिन वो अच्छे सिनेमा में चली जाती है और इधर जो बचते हैं वो सब भोजपुरी सिनेमा में वो औसत लोग बचते हैं जी सर और वो लोग सर टारगेट भी जो है उनका टारगेट ऑडियंस भी सर मिडिल लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास ऑडियंस उनका होता है जो वो बनाते ही उस तरीके से हम हुई सर जहाँ तो मुझे लगता है ठीक बात है ठीक है पिंटू आपसे बात करके अच्छा लगा आपका इंटरव्यू समाप्त होता है आप जा सकते हैं थैंक यू सर प्रणाम ना एक मिनट आइए पिंटू टेक यू सीट पिंटू आप यही ड्रेस पहन के जाएंगे जी सर एक मिनट ज़रा खड़े होंगे इधर थोड़े खड़े हुए साइड में हाँ दोनों बटन खोलिए बैठिए जी तो एक तो आप टाई पहनेंगे ठीक है दूसरा बैठते समय आप अपने कोट के बटन बंद खोलेंगे ठीक है इसका अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा ये एकदम सीमलेस होना चाहिए बिना अटके हुए होना चाहिए आप वीडियो देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि इस समय ये भी आपके वीडियो में शायद दिखाई देगा और अन्यथा में कितना अंतर आ रहा है क्योंकि इसमें उस उस केस में आप एक तो बहुत बंद दिखाई दे रहे हैं पर्सनालिटी दबी हुई दिखाई दे रही है और एक अलग तरीके से ऐसे शेप बन रही है जिससे आप अवॉइड कर सकते हैं तो थ्योरी क्या हुई आते समय बटन बंद होंगे खड़े होंगे ग्रीट करेंगे और बिना बटनों की तरफ देखे हुए बटनों को खोलेंगे और बैठेंगे ठीक, ठीक है शूज ये वाले इसके साथ नहीं चलेंगे ठीक, ठीक, ठीक है तो जूते आपको नॉर्मल ब्लैक या ब्राउन जो भी आपको पसंद हो ब्लैक तो अगर ब्लू जा रहा है तो ब्लैक टीक निकलेंगे उनके साथ पहन लीजिएगा ठीक है कमिंग टू दिस इंटरव्यू यूर अ गुड कैंडिडेट जनरली आप एक प्रभावशाली कैंडिडेट दिखाई देते हैं आपने आ, पहले से आप नौकरी में हैं और एक वो महत्वपूर्ण नौकरी है उस हिसाब से अच्छा है मैं हमेशा कैंडिडेट्स को सलाह देता हूँ फिर से आपको भी सलाह दे रहा हूँ हालांकि आपने इस बात को मेंशन किया लेकिन उसको और दमदार तरीके से जिस भी चीज से आपका एफिलिएशन रहा है उसके प्रति लगाव और थैंकफुलनेस व्यक्त करेंगे ठीक है सर मैं जो काम कर रहा हूँ वो एक महत्वपूर्ण काम है मुझे उस काम को काम करते हुए अच्छा लग रहा है जिम्मेदारी से भरा हुआ काम आप समझ पा रहे हैं जी आप क्यों छोड़ रहे हैं इसकी वजह ये नहीं कि आप जो काम कर रहे हैं वो घटिया है जी इस वजह से कि जिस काम में आप जाना चाहते हैं उसके पुल फैक्टर्स ज्यादा है आप जिस। समझ रहे जिस।, जिस भी चीज से एसोसिएटेड रहे हैं, हमेशा उसके प्रति लगाव दिखाएं इज्जत दिखाएं उसके लिए पॉजिटिव बोले जिस। भले ही जिस चीज की आप जा रहे हैं उसके जाने के दूसरे कारण है जिसमें उसका पुल फैक्टर है जी आपको यहां से आपको से बच के नहीं भाग रहे हैं आप वहां ज्यादा आकर्षक लग रहा है इसलिए जा रहे हैं आप समझ पा रहे हैं जी ये केवल नौकरी पे लागू नहीं होगा जिस भी चीज से आप एसोसिएटेड रहे चाहे वह पढ़ाई हो परिवार हो शहर हो किसी से भी जोड़ के ये सवाल पूछा जा सकता है हमेशा इस बात को ऐसे व्यक्त करें चाहे वो आपको शिमला से अपने राज्य को कंपेयर करने की बात हो चाहे दिल्ली शिमला कंपेयर करना हो दिल्ली पटना का कुछ भी कभी भी आए तो जिस भी चीज से आप एसोसिएटेड रहें उसे पॉजिटिव हो जी सर या कम से कम पॉजिटिव से शुरू करें जी याद रहेगा जी सर दिस इज वन थिंग आई वॉन्टेड टू डे आपका सिटिंग पोस्चर अच्छा है सिवाय हैंड मूवमेंट के आपके कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं हैंड मूवमेंट आपने महसूस किया होगा कि बहुत ज्यादा है कई अच्छा। बार आप केवल हाथ से सब कुछ कह देना चाहते हैं मतलब जब आप हिमालय बोल रहे हैं तो आप बायदा कह रहे हैं हिमालय जैसे कि हिमालय अभी पीछे है आप समझ पा रहे हैं नहीं करना है हाथ हैंड मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हाथों को चिपका लीजिए इस पर बिना स्टिफ बनाए ठीक है रिलैक्स तरीके से घुटने पर ऐसे हाथों को रख लीजिए बस वहीं रख रह रहे ठीक है कोई एक आध बार हिल जाएगा तो कोई तोप नहीं कोई ऐसा नहीं कोई बहुत नुकसान हो जाएगा लेकिन अवॉइड

संचित निधि से लेकर ऑडिटर को क्या संबंध है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल होगा कुछ कुछ टेक्निकल चीजें बीच में डाल दीजिए जी इससे आपको ये पता लगता है कि आप अपने काम को जोड़ कर कर रहे हैं जी सर ठीक है ना एक आद चीज बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है और वो चीज़ जिससे पूछा जा सके तो आप बता पाए जी सर ठीक है उस उसमें आप थोड़ा सा देख लीजिए इसके अलावा एक आद पर मुझे ऐसा लगा कि कई बार आप ना आंसर गलत नहीं दे रहे हैं लेकिन आंसर के ना लेवल्स होते हैं तो आप स्थूल वाला आंसर दे रहे हैं उसका जो सूक्ष्म पक्ष है उस पर थोड़ा सा और विस्तार से विस्तार ना भी हो तो कम से कम उसको मेंशन कर सकते हैं आप सोचिए यानी कि सोच और अभिव्यक्ति में थोड़ी सी और सूक्ष्मता आ जाए तो आप एकदम ऑफिसर बन जाते हैं अच्छा। सा, कर्मचारी और ऑफिसर का क्या अंतर है कर्मचारी जो है वो समानता स्थूल तरीके से चीजों को समझता बोलता है और जब ऑफिसर हो जाते हैं तो उसी में थोड़ी सी रिफाइनमेंट आ जाती है तो थोड़ा सा रिफाइनमेंट अगर आप इतन, जितना समय है उसमें आ, कम से कम बीस मिनट के लिए दिखा सकें तो अच्छा है कभी कभी बोर्ड मेंबर्स आपके आस आसपास ट्रैप जड़ते हैं आपको ध्यान रखना है कि यू यू डोंट हैव टू वॉक द ट्रैप भ्रष्टाचार पर बात हो और आप पहली कदम में मान जाए कि हाँ जी भ्रष्टाचार तो बहुत ज्यादा है <laughs> ये दिक्कत वाली बात है ठीक है ना आप कैसे करेंगे मतलब आप ये कह सकते हैं कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या कुछ सेक्शन ऑफ द वर्क लेकिन एकदम बिलेटेंटली एक बार में मान लेना ये फिल्मों के मामले में भी एक बार में मान लेना वो कई बार ट्रैप क्रिएट किया जाता है तो उसमें है। ऐसा लगता है ठीक है ना तो आप उस बात को आ, तो आपके आपके पास सही उत्तर होते हैं लेकिन आप कई बार उसको आ, ये मानते हुए कि शायद बोर्ड मेंबर की इच्छा ये आप उस पे, उसमें उसकी हाँ में हाँ मिला दे उससे थोड़ा सा बचे कॉन्शियस रहें मतलब बच्चे मतलब सचेत रहें बाकी चीजें आई एम हैप्पी बाकी सामान्यतः आपने चीजें अच्छे से की हैं आप बहुत प्रॉमिसिंग कैंडिडेट हैं तैयारी आपकी सामान्यतः ठीक ठाक है पर्सनैलिटी आपकी अच्छी है हेयरकट की आपको जरूरत है वो आप लेंगे ठीक है ऑल द बेस्ट थैंक यू सर सर एक क्वेश्चन था सर कि जो मैंने सॉफ्टवेयर से मैं छोड़ के जो ऑडिट में आया और ऑडिट से फिर इसमें सॉफ्टवेयर आ आ पर आप सॉफ्टवेयर से सीधा प्रशासनिक का उत्तर अंतर आंसर देने लगे थे इस कारण ये सारी क्रिएट प्रॉब्लम आई पूछा क्या जा रहा था कि आप वहां से ऑडिट में क्यों गए या मतलब आपने क्यों बदला और आपने इसे बदले को केवल प्रशासनिक ले लिया इस वजह से बीच में थोड़ा सा इशू आया आप कह सकते हैं कि सर मैं फिर से वो कह रहा हूँ जिस भी काम को किया है उसके लिए पॉजिटिव जी सर सर मैंने विप्रो में चार साल काम किया वो एक विप्रो एक अच्छा एम्प्लॉयर था हमारा अच्छा ध्यान रखा गया मैंने वहां पर बहुत सारी चीजें सीखी जी सर उसके बाद मुझे लगा कि पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए क्योंकि मुझे लगता था कि वह ज्यादा प्रभावशाली क्षेत्र होगा उसकी शुरुआत मुझे जो पहली नौकरी मिली ऑडिट की मैंने वहाँ से की यद्यपि अंततः में प्रशासनिक सेवा में ही जाना चाहता हूँ बात वही है जो आपने कही जी सर आप समझ पा रहे लेकिन आपने किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं बोला जी नहीं बोलना है।, है? है बाकी तो ठीक चल रहा है ठीक है जी बेस्ट थैंक यू सर